प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दाय देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरादनुनगम्बराधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णकमले नमस्ते। नारायण 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 सच्चिदानंद धाम परमात्मा को संत महापुरुषों को साधन अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कही जाती है, ध्यान देकर आप लोग सुने। आप लोगों का उत्साह बड़ा सराहनीय है, तो जैसे आप उत्साह से आए हैं ऐसे ही मैं बातें कहता हूं, उन बातों की तरफ ध्यान दें, उनको धारण करें, वैसा ही आचरण बनाना है। इस सिद्धांत को लेकर के सुने। देखो, एक हम साधु होते हैं और एक आप ग्रस्त होते हो, इन दोनों में दो कायदा है। साधुओं की आपस में बात न बने तो एक आग छोड़ करके चल दे, ग्रस्थों में नहीं बने तो कैसे काम करे भाई, उनको कहकर सुनना ही पड़ेगा। हमें एक दूसरे साधु हमारी बात नहीं बने, तुम भी देर में अलग हुआ वो अलग हुआ, पर ग्रस्त भी कहाँ जाएंगे अलग। उन ग्रस्थों में चाहिए कि वे बातें सीखे। घर में रहना है ना, ये विद्या है, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी तपस्या है। तपस्या किसका नाम है? शीत सहे, घाम सहे, प्यास सहे, भूख सहे, वर्षा सहे, हवा सहे, सहने का नाम तपस्या है। तो प्रतिकूलता आती है, मन के विरुद्ध घटना होती है, उसको आप प्रसन्नता पूर्व सह लो तो ये विद्या है, बड़ी भारी तपस्या है, ये मामूली चीज नहीं है, बड़ा तपोबल बढ़ता है इसमें। जैसे बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए, जंगलों में रहकर शीत घाम सहकर कंदमूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करने वाले संत हुए, वैसे ही आप गृहस्थ में रहते हुए संत हो सकते हो। मैंने एक बात कही उस पर आप ध्यान कम दिया होगा, फिर दोबारा कह देता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हम साधु हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, भजन स्मरण करते हैं, परंतु हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। क्या? कि जहां अपना मन नहीं माना वहां हम उठ चल देते, सह नहीं सकते, पर गृहस्थों में ये एक बल होता है, वे जल्दी उकताते नहीं, और जल्दी उकता जाते हैं तो गृहस्थ में रहना कठिन हो जाएगा, विशेष ध्यान नहीं दियोगा। और तीसरी बार और कहता हूं, हम साधु विरक्त हो गए, त्यागी हो गए, परंतु ऐसा होने पर भी हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। मैंने अच्छे अच्छे संतों के लेखों में पढ़ा और बात युक्ति संगत है, हमारा आपका मन नहीं मिला, हम चल दिए, तो देखते तो है कि हम विरक्त हैं, त्यागी हैं, परंतु है कमजोरी। क्या कमजोरी है? कि हमारे विरुद्ध बात को हम सह नहीं सकते, और विरुद्ध बात के सहने का नाम है तपस्या, वो तपस्या नहीं कर सकते हम। परंतु गृहस्थ में रहते हुए अगर मन नहीं माना तो कहाँ जाएंगे? सासू बहू का मन आपस में नहीं मिला तो कहाँ सासू जाएगी, कहाँ बहू जाएगी? माँ बेटे का मन नहीं मिला तो माँ कहाँ जाएगी, बेटा कहाँ जाएगा? भाई भाई के नहीं मिला, नंद भौजाई के नहीं मिला, देवरानी जेठानी के मन नहीं मिला तो कहाँ भाग जाएंगे? तो इनके लिए एक बहुत आवश्यक बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, अगर वो आग काम में लाओ
तो आपका जीवन सुखी हो जाए। और जीवन सुखी नहीं है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। देखो मार्मिक बात है कि परमात्म तत्व को बनाना नहीं है, मुक्ति बनानी नहीं है। बहुत से भाइयों की दृष्टि हुई है कि मुक्ति करने से होती है, वो स्वतः सिद्ध है। तो हमें व्यवहार शुद्ध करना है, व्यवहार शुद्ध होते ही शांति आ गया स्वतः स्वाभाविक। इसका पता नहीं है लोगों को। व्यवहार निर्मल बनाओ, जितना आप अपना निर्मल बनाओ बर्ताव बनाओगे उतनी शांति तत्काल होगी। इतनी विलक्षण बात है। तो वो क्या बनाओ कि घर वाले सब राजी कैसे रहे। एक भाई है, उसके कई परिवार वाले हैं, बहन है, भाई है, स्त्री है, भौजाई है, चाची है, ताई है, काकी बड़ी माँ है, ऐसे कई है ना। तो कईयों को राजी करना मामूली बात नहीं है। एक ही बात है कि उनके सामने में नहीं बोले। भगवान से ही राम जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार तज जे पाल नहीं पितु बैन ते भागी सुख सुंद सके बस ही अमर पति है। लोक लोक परलोक दोनों बता रहे। बड़ों की बात अनुचित है, उचित ये विचार नहीं करना। भगवान राम जी को वनवास हुआ, ध्यान देकर सुन, वनवास हुआ तो अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी बहुत बिगड़े हैं। तुलसी कथा में इतने नहीं बिगड़े, उन बहुत ज्यादा बिगड़े। और कहा कि राम जी आपको वन में निकालने वाला है कौन, दशरथ को कैद कर दूंगा मैं, और भरत आ जाए तो ये जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार नहीं है, किस दिन काम आ रहे हैं, उनको ठीक तरह से समझा दूंगा। और उसका मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं देख लूंगा, मेरे सामने कोई कोई टिकने वाला नहीं है, आपको मैं राजगद्दी पर बैठाता हूँ, कौन मना करता, मैं देखूं भले मानसों को। बहुत बिगड़े। भगवान राम जी कहते हैं लखनलाल, राज्य सच्चा हो तो उसके लिए उद्योग भी करे, ये नित्य रहने वाली चीज हो तो लड़ाई भी करे, ये तो रहने वाली चीज नहीं है, इसके लिए क्यों तुम ऐसा करो, ये लड़ने की चीज नहीं है। राम जी समझाते हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा प्रसंग आया, वाल्मीकि में आया, ये कोई नित्य थोड़ा ही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये दशरथ जी का हुक्म नहीं है, ये कैकेयी का कहना है। राजा जब लुगाई के वश में और बात कहते हैं उस समय वो बात माननीय नहीं होती। आप खुद विचार कहते तो ठीक ही, परंतु स्त्री परिभूष परिवेश है तो स्त्री जित आदमी कोई आदमी होता है, उन्हें कोई कीमत नहीं। राम जी कहते हैं पिता की बात पालन करने में उचित अनुचित नहीं देखना चाहिए, ये ठीक कहते हैं बेटी कहते हैं ये बात नहीं देखनी चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पालन ही पिती बहन, पिताजी ने कह दिया बस हमें तो उतना ही करना है। इतनी जोरदार बात कही है कि मैं विचारक नहीं हूं, बड़ों का सम्मान करने वाला और आज्ञा पालन करने वाला मैं हूँ, मैं विचारक नहीं हूँ। क्या कहा कैसे कहा, अरे किसने कहा इतने जानता हूँ, मैं विचारक नहीं हूँ आज्ञा पालक हूँ। कि पिताजी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरे को विचार नहीं करना है, मेरे तो उनकी बात का पालन करना है।